अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हुकूमत की जानिब से वक्त के कानून में तरमीम लाने के लिए एक बिल पास किया जा रहा है, जिसके जरिए से हुकूमत मुल्क भर में मौजूद तमाम मसाजिद, मदारिस, खबरस्तान और वक्फ के प्रॉपर्टीज को अपने कंट्रोल में लाना चाहती है। लिहाजा इस तरह के बिल के खिलाफ हमारे उलमा इकराम की जानिब से एक मुहिम चलाई जा रही है। इस बिल के खिलाफ लड़ाई पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड के इलाकों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें, जिसमें सिर्फ आपको QR कोड स्कैन करके एक मेल फॉरवर्ड करना है। लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक के मिले ताज़ा तरीन डेटा के मुताबिक सिर्फ 75 लाख लोगों ने अब तक मेल भेजा है, जबकि मुसलमानों की आबादी पूरे मुल्क भर में 20 करोड़ है। लेकिन स्क्रीन पर नजर आ रहे इस डेटा से आप अंदाजा लगा सकते हैं 7% मुसलमानों ने ही अब तक इस मुहिम में हिस्सा लिया है। लिहाजा आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कौम कितनी बड़ी गफलत में अपनी जिंदगी गुजारी है। दोस्तों, आप सबसे अदबन गुजारिश है कि उलमा इकराम की जानिब से इस वक्फ बिल के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, इसमें आप लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आपस में इत्तेहाद का मुजाहरा जाहिर करें। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से QR कोड को स्कैन करके बड़ी ही आसानी से अपने मोबाइल से मेल फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां क्लिक करके अपना मेल भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट के जरिए जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से QR कोड भेजा गया है, जिसके जरिए आसानी हम जो हमारा एहतजाज है वो आसानी से दर्ज करा सकते हैं। तो हमें किस तरह कराना है, हमें ये गूगल का एप्लीकेशन ओपन करना है, इसमें ये लेंस का बटन दबाना है, आपको ये QR कोड सर्च करना है, उस पर आपको एक लिंक आएगी, तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। आपको लिंक क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा, उस पर लिखा रहेगा ओपन जीमेल, जीमेल खोलें। तो आपने जीमेल ओपन किया, उसमें जो पूरा कंटेंट है वो अपने आप आ जाएगा। आपको फिर जाकर के यहाँ सिर्फ अपना सेंड बटन दबाना है।